कोच ने मुझे इस तरह बोला बेटा जाके या तो स्टडी शुरू कर लो या फिर खेलना छोड़ दो क्योंकि आपके बस की बात नहीं है ईगो पे आ गई है ईगो पे बात आ गई अगले साल में उसी टीम का कैप्टन बन गया ओह वाह सबको पता है आप शरारती हैं आप ही करें ये <laughs> जनरेटर वाला ये आपने कैसे दिल बहुत करता है लेकिन अबू भी नहीं नहीं हैवी बाइक मैंने ली थी और मैंने बेच दी थी वापस लड़का था और मैंने वो मैं आगी 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 ले ली दो तो साल से आई थिंक के साथ आओ ना कभी आपको सुबह पाई खिलाएंगे कहता है आज के मुझे ना खिलाए कहता है बड़े मुश्किल है खाने वाली चॉकलेट भी बहुत अभी डॉलर भी मिले ना चल अच्छा मुझे दो सौ डॉलर दे दे हेलो अस्सलाम मैं हूं हसन अली और मेरे साथ बैठे हैं अरफान नियाजी साहब अमरजिंग प्लेयर ऑफ कराची किंग अरफान नियाजी साहब यहाँ भाई बोलूं क्या बोलूं आपको जो एक तो मुझे आपसे प्यार बहुत है क्योंकि आप नियाजी न्याजी हैं शदाब खान भी न्याजी है आप भी न्याजी हैं और आ, अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हमें पता नहीं हमने क्या करना है लेकिन है यह हमने चिट चैट करनी है तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगा अगर आपकी हिम्मत हुई तो आप ही मुझे कर लीजिएगा देखें सबको पता है आप शरारती हैं आप ही करें। <laughs> <laughs> मैंने अभी रिसेंटली सुना है कि आप जो है आपकी नाइन्टी समथिंग की एवरेज है फर्स्ट क्लास में विच इज़ वेरी गुड एंड आई होप कि आप इसी तरह जो है वो खेलते रहें थोड़ा मुझे अपनी क्रिकेट जर्नी का बताएं क्योंकि मैं आपको इतना पर्सनली जानता नहीं हूँ लेकिन ये है कि आई हर्ड यू नो द फ्राम पीपल्स के यू आर वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन पाकिस्तान और मैंने देख भी लिया है अभी कल भी देखें अब पाँच सौ हज़ार डॉलर भी आपको शायद फील्डिंग पे मिले हैं तो आपने ही ज़रा थोड़ी क्रिकेट जर्नी के बारे में बताया मैं आ, हसन भाई असल में मैंने क्रिकेट जो स्टार्ट किया है तो वो एज अ चैलेंज के तौर पर स्टार्ट की क्योंकि मैं मियाँ वाली में एक क्लब से खेलता था तो मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल हुए अंडर सिक्सटीन के तो मैंने ट्रायल दिए तो मैं सिलेक्ट हुआ पहले साल मेरे से परफॉर्म नहीं हुआ तो कोच ने मुझे इस तरह बोला कि बेटा जाके या तो स्टडी शुरू कर लो या फिर खेलना छोड़ दो क्योंकि आपके बस की बात नहीं है आपके बस की बात नहीं है आप खेलना छोड़ दो या तो स्टडी शुरू कर लो या कोई काम कर लो तो मैंने ना उस बात को लिया अपने ऊपर और मैंने जाके मेहनत की और अगले साल में ईगो पे आ गई है ईगो पे बाद आ गई <laughs> अगले साल में उसी टीम का कैप्टन बन गया ओह वाह दैट्स ग्रेट तो मैंने परफॉर्म किया फिर मैं इस तरह फैसलाबाद रीजन से खेला फैसलाबाद रीजन में भी मैंने एक साल परफॉर्म किया फिर दूसरे साल मैंने टॉप किया पूरे पाकिस्तान में टॉप फाइव में था तो फील्डिंग उस अंडर नाइनटीन में जी तो फील्डिंग उस टाइम भी अच्छी थी फील्डिंग में भी मैं टॉप था टॉप पे था तो उसके बाद मेरा पाकिस्तान अंडर नाइनटीन के कैंप में नाम आया तो मैं पे मैंने परफॉर्म किया तो पाकिस्तान में नाम आया so, था अच्छा कुछ कुछ प्लेयर नहीं था में। अच्छा? <laughs> तो मेरा नाम <laughs> ही था <laughs> वैसे मैं कम ही खेलता था बहुत ज्यादा नहीं खेलता था बस हार्ड बॉल वैसे प्रोफेशनल खेला हूँ जब से मैंने हार्ड बॉल खेलना स्टार्ट किया छोड़ दी हुई थी तो बस सिर्फ हार्ड बॉल पे फोकस तो स्टडी में मेरी तरह के स्टूडेंट थे कि अच्छे स्टूडेंट थे या स्टडी छोड़ने के लिए तो मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी अच्छा मतलब स्टडी छोड़ने के लिए वो नॉर्मली ये होता है ना कि क्रिकेट के लिए इंसान स्टडी छोड़ता है जब आपने... पेपर आते तो, तो मेरी तबीयत खराब हो जाती <laughs> तो मैंने मेरी तरह के बस आपकी क्या फीलिंग थी कि जब आप आ, को आई थिंक कराची किंग ने मर्जिंग प्लेयर आपको पिक किया था सो so, आपकी क्या फीलिंग थी जब आपको ये पता चला या अब ये अनाउंस हुआ कि कराची किंग ने पी एस एल के लिए अरफान याजी को जो है वो पिक किया हसन भैया स्टेज से गुजरे हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये फीलिंग बहुत बड़ी थी क्योंकि पी एस एल इस पाकिस्तान की नहीं सिर्फ पूरे वर्ल्ड की बड़ी लीगों में आती है तो बहुत खुशी हुई उस टाइम और उससे पहले मैं नेशनल टी ट्वेंटी में परफॉर्मेंस दी हुई थी तो मुझे आइडिया था थोड़ा सा को होता है कि यार इस परफॉर्मेंस में मुझे गट्स फीलिंग मतलब आपको आ जाती है कि यार कोई ना कोई पिक कर लेगा कोई ना कोई पिक कर, पिक कर लेगा तो मुझे उम्मीद थी कि मुझे एक आधी टीम पिक कर लेगी लेकिन फिर भी जब तक आपका नाम नहीं आता तो आप उस खुशी फील नहीं उसकी डर रहता है अच्छा आप दो साल से आई थिंक कराची किंग के साथ हैं एंड आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और यू नो उन्नीस बीस साल का लड़का इक्कीस साल का लड़का वो जब बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करता है तो आपने कुछ ना कुछ तो उनसे सीखा ही होगा टेल अस अबाउट योर ड्रेसिंग रूम एक्सपीरियंस जी बिल्कुल आ, जिस तरह शुएब भाई हैं और मोस्ट एक्सपीरियंस बंदे इनके साथ रह के हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन आ जाता है लाइफ में आपको पता होता है कि यार हमने डाइट अपनी क्या रखनी है हमने अपने आप को किस तरह लेके चलना है हमने अपनी फिटनेस का ख्याल किस तरह रखना है तो डिसिप्लिन एटीट्यूड इन चीज़ों से आपकी जो लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क़ पड़ता है और फिर इन ही चीज़ों से आपकी परफॉर्मेंस में फ़र्क़ पड़ता है इवन आप देख लें कि मैं आज से लास्ट ईयर में पी खेला तो उससे पहले जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी जितना मैं लास्ट साल पी एस खेला हूँ और उसके बाद जो मेरी अभी फ़र्स्ट क्लास की क्रिकेट में और जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें ज़मीन इसमान का फ़र्क Uh, बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है जब ज, जैसे अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन रखते हैं आप अपनी डाइट या फिटनेस का ख्याल रखते हैं तो आपकी ऑब्वियसली परफॉर्म हो जाए उसमें फ़र्क आता है और यही करना चाहिए एज़ ए प्रोफेशनल देखो हमें तो कुछ और करना को करने को आता नहीं है ना तो हम मजदूरी कर सकते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट वेल एजुकेटेड क्योंकि पाकिस्तान में ये थोड़ा सा मसला है कि आपकी स्कूल क्रिकेट नहीं है कॉलेज क्रिकेट नहीं है यूनिवर्सिटी क्रिकेट नहीं है तो क्रिकेट के लिए आपको स्कूल से भागना ही पड़ता है हाँ बिल्कुल <laughs> क्रिकेट के लिए भाग वही बात है कि जो हमारा पैशन है क्रिकेट है अल्लाह ताला ने हमें लकी बनाया कि हमारा पैशन ही हमारा प्रोफेशन है

डेल स्टेन को देखता था वकार भाई को देखता था कि वो जिस तरह सेलिब्रेशन करते थे ना विकेट लेने के बाद वो जुबिलेशन जो करते थे ना बहुत मज़ा आता था यार के मतलब वो जैसे भाग रहे हैं जैसे शेयब भाई करते थे शेयब अख्तर करते थे बहुत सारे प्लेयर्स थे वो बड़ा अच्छा करते तो मैंने भी सोचा यार मैं भी कुछ ना कुछ ना ऐसा करूँगा तो मैंने एक मूवी देखी थी उसमें जैसे माइंडस होते हैं ज़मीन के अंदर एक बॉम होता है उसके ऊपर जैसे आपका पाँव आता है ना तो वो फिर वो जब पाँव उठाते तो वो ब्लास्ट हो जाता है तो ये वहाँ से आया था तो मैं बेसिकली पिन निकालता हूँ उसकी के और बैट्समैन जो है okay. लेकिन यह कि लोगों ने इसको जनरेटर का नाम दे दिया क्योंकि हमारे पाकिस्तान में थोड़ी मसला होता है इलेक्ट्रिसिटी का बिजली का यू नो बत्ती टी तो बत्ती आ गई <laughs> तो इसलिए फिर जनरेटर कहते हैं तो आई लाइक डिट कि लोग इसको पसंद करते हैं और अच्छी चीज़ मुझे यह लगती है कि मेरी सेलिब्रेशन को लोग देखना चाहते हैं और माशाल्लाह आप एनर्जेटिक रहते हैं फील्ड आउट फील्ड यार इट्स अ नेचुरल और जिस तरह आपने बात किया कि हमारे अंदर पैशन है एनर्जी है तो मेरा दिल करता है कि यार मैं अपना सब कुछ दोनों वो ग्राउंड से निकलूं मैं अपना जब मैं वापस जाऊं बेड पे और लेटती सो जाऊं मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे ही एनर्जेटिक रहूं मेरी वजह से जो इन्वामेंट है वो उसका उसकी वाइब्स जो अच्छी रहें और जो है ना अपना हंड्रेड परसेंट रहो और ऊपर से अल्लाह ताला की ये नवाजिश है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस एनर्जी से जो है वो मुझे जो है वो बख्शा हुआ है और जो है वो कोशिश करते हैं कि इसी तरह जो है वो माहौल को अच्छा बना कर रखें बिल्कुल कुछ चीज़ नेचुरल होती है आपके अंदर और कुछ चीज़ आप मेहनत कर आप, आप, आप मेहनत करके बनाते हो और अभी आप जैसे हम आपने शुब भाई की बात की है और मैं शेब भाई को दो हज़ार आठ सात आठ से जानता हूँ और मैं उनके साथ बड़ा खेला भी हूँ और ड्रेसिंग रूम भी शेयर किया एंड मेरे मेरे उनके साथ बड़ा अच्छा बाउंड है तो उनको भी देख के जब वो व्यालकोट स्टैलियन से खेलते थे तो हम एडमायर करते थे और हम ट्राई करते थे उनको कॉपी करने की सयालकोट के जितने भी लड़के हैं हम उनको जो है ना बहुत कॉपी करते हैं एडमायर करते हैं विच इज़ वेरी गुड ये क्योंकि अच्छी चीज़ें आप पिक करते हैं फिर सयालकोट रीजन के जितने भी लड़के थे क्योंकि ये हमारे तब के स्टार थे शुएब भाई हो गए इमरान ज़ीर हो गए तो हम लोग इनको देख देख के बड़े हुए हैं और इनकी तरह जो है वो देखे आप आज भी देखें शुब भाई किस तरह वो बाउंड्रीज़ में एक एक नुक्कर में आप खड़े होते हो दूसरी नुक्कर में भाई खड़े होते हैं बाग बिल्कुल जिस तरह की भाई की पर्सनैलिटी है तो लाइक सिर्फ सेलकोट का नहीं पूरे वर्ल्ड में लोगों का एम होगा कि वो उनको फॉलो करें और उनके जैसा बनने की कोशिश करें और बहुत ही हम्बल पर्सन है बिल्कुल बिल्कुल, और... बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही हम्बल है और वो चाहते हैं कि मैं प्लेयर्स को जो है वो बताऊं और सिखाऊं ओके नाय साहब ये तो हम थोड़े सीरियस गुफ्तु हमने कर ली आज थोड़ी सी आपकी दूसरी साइड भी देखते हैं हम आप आपकी क्रिकेट के अलावा कोई हॉबी क्योंकि कोई आपकी हॉबी ऐसी हो या कुछ आपको पसंद हो मैं क्रिकेट के अलावा देखता तो हूँ तो बहुत कम चीज हूँ लेकिन मैं ये है कि खुद गेम में बहुत खेलता हूँ लाइक मैं एथलेटिक करता रहा रहूमलर एथलेटिक करता रहा रहूँ फुटसल <laughs> खेलता हूँ और स्विमिंग वगैरह करता रहता हूँ नहर चिके स्विमिंग पूल में पूल में नहर नहाते नहर में करता है लेकिन अब नहर में कभी भी होगा तो वो स्विमिंग नहीं की होगी

फिर पाँचे महीने यहाँ पे आपको पता है डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही होती हाँ, है तो तो टाइम नहीं मिलता जी टाइम नहीं मिलता कि नहीं। आप नहीं तो व्हाट इज़ योर ड्रीम कार के जो आप कहते हैं कि यार ये मैं खरीदना चाहता हूँ इन फ्यूचर के ये मेरी कार हो मुझे इतना शौक नहीं है गाड़ियों का लेकिन जो अभी गाड़ियाँ हैं और उसमें मुझे जो प्यारी लगती है वो सोनाटा ज़्यादा प्यारी लगती है जो पाकिस्तान में नॉर्मल चलती हैं वैसे जर्मन गाड़ियों में तो ऑडी हाँ अभी शौक़ नहीं है आपको और ये भी पता है कि जर्मन कार कौन सी है और सोनाटा पाकिस्तान में है <laughs> मैं वैसे तो पता होता है सबको पता है आजकल लेकिन मुझे वैसे शौक नहीं है ऑडी कौन सी ऑडी ओडी एट ओ एट जी हमारी दुआ कि अल्लाह ताला आपको इस मुकाम पे ले गया जी आप बोड़ी. क्या अभी खरीद सकते हो आप जगह जुआ बेच के अभी तो नहीं खरीद सकता <laughs> लेकिन पाक पाकि देंगे और आपको बहुत ज़्यादा गाड़ियों का शौक़ है आप मुझे बताएं आपकी ड्रीम कार कौन सी है यार अभी जो मेरी ड्रीम्स कार थी वो मैंने ले ली हुई हैं जैसे ऑडी थी या पराडो थी वो मैंने ले ली हुई हैं अब जो है मेरे ड्रीम्स बढ़ गए हैं अब, अब लेमर पे तो नहीं आ गया <laughs> नहीं 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 वैसे मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं ना फरारी चलाऊँ और ड्रीम कार मेरी फरारी है बट अनफॉर्चुनेटली आप फरारी जो है वो रख नहीं सकते

तो वो भी एकदम से जब वो निकलती है ना तो अरे भाई साहब बहुत डर लगता था फिर मैंने ना बेच दी फिर मुझे बेगन ने भी बोला और भाई ने भी बोला कि यार कहीं पैसे इंजरी ना हो जाए और ये वो इवन कि मैंने सारे सेफ्टी जो प्रिकॉशन थे वो मतलब हेलमेट पहनता था ग्लव्स पहनता था और नी पे भी जो होते वो भी पहनता फुल ड्रेस हाँ तो लेकिन यह ये, ये वो फिर भी ना यू ना जब आप ट्रेन नहीं है ना होते फुली तो फिर मैंने जो बेच बेचनी उसके अलावा गुजरा वाला के खाने बड़े मशहूर हैं ओ आओ ना कभी आपको आपको सुबह पाई खिलाएंगे घनी से ठीक है फिर आपको दोपहर में हम चिड़े चिड़े खिलाएंगे शबाज टिक्का से चिड़े बटेरे हाँ वो खिलाएंगे अभी मैं चिड़े की आपको स्टोरी सुनाता हूं। फिर हम रात को हम आप खीजर के टिक्के खिलाएंगे और शाम में आप रात में आधी रात को आप बीमार हो जाएंगे इतना कुछ खाने के बाद चिड़ोंगा ना अच्छा तो मैंने कहा अच्छा चल गुजावला आया मुझे मिलने तो मैं ले गया उसको तो चिड़े की जो है ना वो एक होती है उसके अंदर ना हड्डी जो होती है ना वो आप खा सकते हैं खा सकते। तो, तो चिड़ा जो होता है ना वो आपने ऐसे ही खाना होता है मतलब वो हड्डी के साथ ही खाना था है था तो था हम है। मैं मेरे भाई जो कज़न बैठे हुए दोस्त बैठे हुए सारे हम ऐसे ही खा रहे थे अब वो ना वो जैसे चिकन नहीं खाते मुर्गी हाँ, वैसे माँ से के खा रहे हैं अब खैर मैंने उसको नहीं रोका नहीं टोका जब उसने खा लिया ना बाहर निकला कहता है आज के बाद मुझ चिड़े ना खिलाई कहता है ये बड़े मुश्किल है खाने उसे क्या ये कुरकुरे होते हैं इनको इस तरह आ, ये तो फिर उसने बोला आज के बाद मुझे जो है वो ये नहीं खाने ठीक है भाई नहीं खाओ अच्छा आपने अभी जिक्र किया है इंग्लैंड का तो इंग्लैंड में कहाँ से कौन सी लीग खेलते हैं किस सिटी में होते हैं मैं ब्रिस्टल में होता हूँ क्योंकि ब्रिस्टल एक अच्छा एरिया है मैं वहाँ पे क्लब क्रिकेट खेलता हूँ ज़्यादातर तो प्रीमियर लीग खेलता हूँ मैं वहाँ पे और इस ईयर भी शायद मेरा इरादा है अगर मैं फ्री हुआ तो जाऊंगा नहीं तो फिर यहाँ पे पाकिस्तान में खेलेंगे क्रिकेट नहीं अभी तो वो वनडे भी आ रहे हैं ना I जी वनडे क्योंकि हमारा उस टाइम ऑफ़ सीज़न होता है तब मैं जाता हूँ जब ऑफ सीज़न नहीं होता तो फिर पाकिस्तान में खेलते तो आप इन्जॉय कर रहे हैं इंग्लैंड के वेदर अर्ली बहुत ठंडा नहीं होता इन्जॉय करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में तो उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो थोड़ा ठंडा ठीक है बेहतर है थोड़ा नहीं बहुत ठंडा होता है भाई अप्रैल <laughs> में तो बहुत ठंडा होता।, होता है अप्रैल के बाद जाके ठीक होता है अप्रैल के बाद मैं जाता हूँ मैं तो भाई दो 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 ट्राउजर पहनता हूँ दो शर्ट पहनता हूँ दो स्वेटर पहनता हूँ फिर जाके थोड़ा सुकून होता है और हैंड वार्मर जो होते पॉकेट में होते हैं और ऐसे ऐसे करते आप बाहर निकलते रहते होंगे ना हम तो बस अरे बाहर क्या ग्राउंड में खेलते हैं बाहर कहाँ पे निकलते रहते हैं ग्राउंड में खेलने के बाद उधर तो वीक में एक दो दिन नहीं भाई फोर डे के बाद कहाँ पे कोशिश होती है हिम्मत ही नहीं होती कि बाहर निकले हाँ अगर फैमिली गई हो तो फिर तो चलो ठीक है और माशाल्लाह आपकी बेटी है उसके आपको बहुत-बहुत मुबारक हो आपको मुबारक नहीं नहीं आपको गिफ्ट भी मिलेंगे उनके लिए क्या कुछ भी आप क्या दोगे आप बताओ मैं गिफ्ट दूंगा क्या अपनी यार कोई भी गिफ्ट दे सकता हूँ के कौन सा गिफ्ट देते होते कब दो अभी क्या है तो अभी कहाँ पे तो मिला ना तूने मिला ना मैंने मिला निकलेंगे तो कोई गिफ्ट ला सकते है ना। बाया मगा Online, पे हैं आया मंगा सकते हैं नहीं नहीं यहाँ पे है शॉप होटल में शॉप्स <laughs> यहाँ वाली चॉकलेट ही बहुत महंगी यहाँ अभी डॉलर भी मिले ना चल अच्छा मुझे दो सौ डॉलर दे दे नाई साहब बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके और आई होप कि हमारा बॉन्ड जो है वो अच्छा रहेगा कराची किंग के लिए हम दोनों खेल रहे हैं और आई नो कि आप बहुत अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हो और आप परफॉर्मेंस भी दे रहे हो मेरे भी थोड़ी बहुत है माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हो और अच्छा? इंशाल्लाह इससे और बेहतर करेंगे इंशाल्लाह अभी पांच इन वो कराची किंग को जितवाते हैं अभी पांच मैचेस बाकी हैं इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि हम टॉप में फिनिश करें नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट राउंड में जरूर पहुंचेंगे, इनशाला <laughs> इनशाला